प्रदत्त सभी गैस ये वालों को मेरा प्रणाम। आई होप कि आप सब और आपके घर वाले सब सेफ हैं। दौर कुछ ऐसा चल रहा है आजकल, चिंता मत करिए भाई, मुझे थोड़ी सर्दी लगी है लेकिन वो एक एलर्जी नहीं है, अभी कुछ बीजों के साथ लेके आया हूँ तो रहने की कोई बात नहीं, मास्क है मेरे पास। पहले तो मैं आबिद भाई, संजीव और साहिल को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। की शुरुआत छोटी हुई है लेकिन हर चीज़ की शुरुआत छोटी होती है, एंड हम सब आपके वेल विशेष हैं। यहाँ पे सपोर्ट हमारा ऑलवेज रहेगा आपके साथ, मैं शौक है आपका। एक और चीज़ आपने कही कि ये ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो यूथ को जो प्रोत्साहित करें रिगार्डिंग में। आजकल इतना कंटेंट बढ़ रहा है लेकिन इतना क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ जो हमारे यूथ को करप्ट कर रही है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी प्रोडक्शन हाउसेस का निर्माण हो जो एक्चुअली गुड क्लीन कंटेंट बनाए। एंड इंशाल्लाह मैं भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा आगे जाके, अगर आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार के इंसान हैं आई थिंक कि सबको पता हो गया होगा अब तक, क्योंकि सब जो हमारे गेस्ट आए हैं आज इन्हीं की वजह से आए हैं। इनकी जो गुडविल है, एक जैसे सुनील भाई कह रहे थे, क्लीन इंसान है, बहुत ही प्योर इंसान है। और आई थिंक आज की डेट में ऐसे इंसान से मुलाकात करना मिलना बहुत कम होता है, एंड ऐसे रिलेशंस बनाए रखने में मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ इनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं। जिस जैसे कि उन्होंने कहा कि क्लीन कंटेंट करना चाहते हैं, ये जैसे क्लीन इंसान ये है क्लीन कंटेंट करेंगे। तो आई लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी हमेशा रहेंगी आप सबके साथ। एंड लाइक आई सेड कि इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग साथ में भी काम करेंगे। Yes, wish him all the best. ये तो कहना चाहूँगा, ये तो आगे भाई की बात हुई, आप मीडिया इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए तो आपका सपोर्ट कितना रहेगा आगे चल के, आप इनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कितने उत्साहित हैं या क्या कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट चाहते हैं कि ये बनाए आगे चल के? जैसे मैं अभी कह रहा था कि क्लीन कंटेंट की बहुत कमी है और ज़रूरत है, एंड आई थिंक कि अगर ऐसा कुछ इनके पास हो जो वो मेरे पास लाते हैं तो डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करूँगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप ऐसा करें। अस्मित, आप भी करीबन 17-18 साल इंडस्ट्री में ज़्यादा इस, तो आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है मीडिया से और जर्नलिस्ट से, और क्या कहना चाहेंगे आज के दौर पर जो इस तरह के मीडिया कॉन्टेंट होते हैं, जिस तरह के न्यूज़ कवरेज वगैरह होते हैं जी इंटरटेनमेंट में खासकर, उसके बारे में कुछ बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भाई जर्नलिस्ट हैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है मीडिया के साथ, मैं थोड़ा सा मीडिया शाय हूँ, इतना मैं पीआर वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से काम करते आ रहा हूँ। मेरा कोई पीआर एजेंट कभी रहा नहीं है, आई डोंट थिंक कि आगे जाके भी मेरा कोई पीआर होगा, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। स्टार्टिंग में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी मेरी, लेकिन आई थिंक दैट्स 15-20 साल पहले की बात है, बट तब भी मुझे सपोर्ट मिला था आप लोगों से, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल। एंड बस आप लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है टू शोकेस द राइट थिंग्स, आई थिंक कि अगर आप लोग इस पावर का सही इस्तेमाल करें तो वी कैन मेक आर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट। अब इसे क्या करना चाहेंगे अस्मित सर, आपके इवेंट में और भी कई मेहमान लोग आए हैं, कितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल मान रहे हैं इस इवेंट में आके? देखिए मैंने छोटी सी शुरुआत की है, हम लोगों ने तीनों ने मिलके, हमने साहिल ने संदीप ने और आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनको लगा कि हाँ वाकई में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। काफ़ी पुराने रिलेशन है, जब मैं मुंबई आया था पहली बार तब
अस्मित जी से मिला, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक स्टार है हमेशा भाई की तरह प्यार दिया। उसमें जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी ने बिल्कुल रिलेशन भाई का रखा मिलता है। तो प्रोडक्शन आप लॉन्च कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबा सफर रहा होगा आपके दिमाग में, ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से होगी, क्या चुनौतियाँ हुई, किस तरह से देखते हैं आगे, विजन क्या है आपका इस प्रोडक्शन को लेकर, और जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके लिए कुछ डिस्कस कीजिए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होगा या जो भी कर चुके हैं आप पास में उसके बताइए। देखिए आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड बहुत आगे चला है और आने वाला भी टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल का है, लेकिन डिजिटल पे दिया क्या जा रहा है, समाज में इसका क्या संदेश है। बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि गंदगी पहले नहीं थी, पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो हमारी कोशिश ये होगी हम उस लीक से थोड़ा सा हटके चलें, हम कुछ ऐसी चीज़ें बना करके दें जिससे लोग, एक बाप अपने बेटे को कहे कि उसको ज़रूर देखना, या बेटा अपनी बहन से कहे, सॉरी, या बेटा अपने माँ से कहे, भाई अपनी बहन से कहे, एक ऐसा प्रोडक्ट हम बना करके देना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या लीन एंड नीट की बात कर रहे हैं या क्या, किस तरह का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कैसा आपका थीम क्या होना चाहिए बेसिकली जो आप पेश करेंगे? देखिए हमारी जो भी थीम होगी वो सिर्फ और समाज के लिए संदेश होगी, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। सर आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा और अमीर भाई के बारे में और अस्मित से क्या करते हैं आप सर? आप जी मैं सर प्लीज कैमरा लो। आज मेरी फर्स्ट टाइम पहली मीट आपके साथ, तो पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बस इतना जानता हूँ कि मैं जब मुंबई में आया था तो वीर भाई मेरे पहले दोस्त थे, तो हम 2 साल से साथ में हैं, तो जो भी है बस चल रहा कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। सभी को नमस्कार मेरा, जैसे कि हम भी साथ में ही थे साहिल और मैं, और हमारी अबीर भाई से दोस्ती आ रही, और हम बहुत समय से सोच रहे थे कि कुछ नया करें, कुछ चालू करें, ऐसा जो कुछ मैसेज रहे या ऐसा कुछ रहे, तो वो सोच से हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमारी लाइनें बनी और हमने इस चीज़ पे काम किया माधव मूवीज़ पे, और माधव मूवीज़ प्रोडक्शन चालू किया, और इंशाल्लाह चाहते हैं कि सब आगे अच्छा चले इससे। अच्छा सर ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कंट्रोवर्सी की बात की, आपने कभी अच्छी फिल्में भी की हैं 16-17 साल जो भी आपका कैरियर रहा है इतना, लेकिन एक न्यूज़ पब्लिकेशन ने ये भी पब्लिश किया है कि आप फेमस रहे कंट्रोवर्सी की वजह से ज़्यादा, बशर्ते फिल्म की अगर बात करें तो आप कितना मानते हैं इस चीज़ को, आपका जो फेम फैक्टर इतने सालों में, बताइए आपको क्या लगता है? सर आप बताइए, कोई इंसान सिर्फ कंट्रोवर्सी से अपना करियर 16 कितना साल का, कितने साल का आपने? मोर देन 18 आई थिंक 19 इयर्स हो गए, आपको लगता है ऐसे हो सकता है? आई थिंक यू हैव योर आंसर। एंड लास्टली सर बिग बॉस इज रनिंग, आप भी यू एक्सपीरियंस बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप भी पड़ाव पर है, बिग बॉस एक हफ्ता बचा है, आप देखते हैं कौन जीतेगा आपकी नज़र में, क्या आप एंट्री मारना चाहेंगे अभी लास्ट टाइम में? मैं एक्चुअली बिग बॉस देखता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मेरी एक फ्रेंड है शमिता शो में, तो मुझे लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ही जीते, तो मैं चाहता हूँ कि शमिता जीते, और रही बात अगर मुझे ऑफर मिलता है जाने के लिए तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, फिर से एक बहुत प्यारी यादें हैं, एंड आई वुड लाइक टू गो बैक एंड रीविजिट एंड रीलिव दोस मेमोरीज फॉर श्योर। कितना बदलाव आया बिग बॉस में आपके टाइम में जो अभी देखने आपको? आई हैव नो आइडिया, मैं देखता ही नहीं। आने वाले सीजन में क्या आप जाने के लिए जरूर जरूर यार शूटिंग फॉर फिल्म आल्सो उत्तराखंड में शूट हो रहा था, कल कश्मीरा शाह आई थी वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि करण जो है वो इग्नोरेंट है, या उनके बारे में कहा कि इज नॉट डूइंग राइट थिंग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपकी फिल्म का हिस्सा है कश्मीरा, फिल्म का नाम है ड्रीमी सिंह, और टाइटल रोल मैं कर रहा हूँ सिंह साहब का, एक पुलिस ऑफिसर है जो एक डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है, एक आदर्शवादी पुलिस ऑफिसर था, लेकिन ऑब्वियसली मैं पता है कि जब कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो लोगों को दबाया जाता है, तो उसी वजह से उसने पुलिस फोर्स छोड़ा है, डिटेक्टिव एजेंसी खोली है, और पुलिस में उनके जो एक्स कॉलीग्स हैं एक बहुत ही एक सीरियल किलर्स का दौर चल रहा है, एंड पुलिस इज एक्चुअली फ्लमक्स की हो क्या रहा है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मुझे कॉल करते हैं उस केस में थोड़ी सी सहायता देने के लिए, तो ये मोटा मोटा, आई कांट रिवील टू मच, बहुत ट्विस्ट इन टर्न्स है,
और इंटरेस्टिंग लोकेशन वगैरह सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्यारी फिल्म है। अभी जी आपसे जानना चाहेंगे अश्विन जी का अगर जो कौन सी फिल्म में है अश्विन जी का जो किरदार किस तरह का रहेगा और क्या रहेगा? देखिए उसके लिए कोई अच्छी सी कहानी देखी जाएगी, उसको समझा जाएगा। अगर वाकई में कोई ऐसी कहानी मिलती है जो एक समाज को संदेश दे और उसमें अश्विन जी फिट होते हैं उस रोल में, तो हम जरूर अश्विन जी के साथ में काम करेंगे। कोई ऐसा रोल है जो आज तक आपने नहीं किया, आपको मुझे रोल करना है ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए? कॉमेडी करना चाहता हूँ सुनील भाई के जैसे, अभी तक फुल ऑन कॉमेडी फिल्म नहीं। लेके ये माधव मूवीज के द्वारा संदीप जी हो गए, उनके सहयोगी साहिल जी और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैं इनके OTP प्लेटफॉर्म में जो वेब सीरीजों के माध्यम से 3 मूवी ऑलरेडी बना चुके हैं इनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि जो उत्तम विषय है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर हमने यही सोचा है कि कुछ अलग मैसेज दिया जाए और इसीलिए हमने माधव मूवीज़ का प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी हमने 3 मूवियाँ बनाई हैं और 2 और आगे आने वाली है, उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे और आपकी दुआ से और सब भाइयों की दुआ से हम चाहते हैं कि आगे बढ़ते जाएँ और लोगों तक अच्छे मैसेज हम पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।